पे थी मवी एंड 20 बचे थे, 20 को भी खो दिया, इसका मतलब IGL अकेले बचे हैं। ऑटोबॉट्स के रिको परफॉर्मिंग रियली गुड, जॉनाथन विद दोस ग्रेनेड्स, एंड जॉनाथन का एक अलग ही ग्रेनेड का टच है भाई, जब जब इस प्लेयर ने ग्रेनेड बसता है इस चीज को रोकेंगे, बट स्लैम इन आ चुका है, इसका मतलब रिवाइवल के सपने देखेंगे टॉप डॉग, और अगले कुछ सेकंड के अंदर टॉप डॉग भी इतिहास में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, बिकॉज जो अभी प्रेजेंट है वो तो उनके फेवर में बिल्कुल। यहाँ पे एक सफर खत्म नहीं हुआ है, टीम गॉडलाइन को सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और उनको पता चल चुका है फाइट्स लेके ही घुसना है। बीच में के देवता ने स्कल्स को एक हल्का सा फेवर जरूर करा, बट यहाँ पे मवी को एलिमिनेट करना प्रायोरिटी रहेगी, अकेला प्लेयर है और ये प्लेयर ऑल इन करेगा, कुछ भी करेगा सामने वालों को परेशान करने के लिए, बट मवी कुछ करते उससे पहले बाहर। गॉडलाइक के प्लेयर यहाँ पर एक सेफ पोजीशन के अंदर है, मैक को रिवाइव करना, मैक को हील अप करना एक उनका प्रायोरिटी रहेगा जरूर, बट टेस्ट विद द डीपीएस फिनिश स्पीड पे राज करते हैं, बट गॉडल कब तक ये सेंटर ओपन एरिया होल्ड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे चाहिए यूटिलिटी ढेर सारी, बट एक एक करके यहाँ पे इतने नॉक होते जा रहे हैं, बट जेरी इज मेकिंग श्योर कि चारों दिशाओं के अंदर अपना इंपैक्ट दिखा सके। थोड़ी देर पहले मवी को नॉक करा था, अब उनके ठिकाने उनके निशाने पर है गॉजरेन, डॉस फायर पकड़े गए थे, टीम एक्स पार्क भी झुलझ रहे, बट गॉड लाइक इतने अच्छे पोजिशन होल्ड करने के बावजूद मैक का ये शानदार ग्रेनेड एंड टीम एक्स पार्क खत्म। एंड आप देखिए आई थिंक एक ही ग्रेनेड से इन्होंने चार खिलाड़ियों को निकाल दिया है, अब देखिए शोगन इकलौते बचे, जेली यहाँ पे गाड़ी आगे ले रहे हैं, तीसरे पेज पर है और उनके लिए इस गेम के अंदर अच्छे पॉइंट्स अर्जित करना काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। आई हैव नो आइडिया कि किस तरीके से यहाँ पर गॉजिन का अप्रोच रहने वाला है, बट जॉनाथन विद ग्रेनेड फिर से एक और बार, लास्ट टाइम ग्रेनेड फेंका था तो मेडल के सपने तोड़े थे, इस बार जॉनाथन ने ठाना है कि गॉजरेन को वापस मिलिट्री बेस भेजा जाए जहां से गेम की शुरुआत हुई थी, बट अच्छी बात यह है कि गॉडलाइक के पास यूटिलिटीज का एक प्रॉपर यूजेज चल रहा है, यहां पे स्मोक की चादर के पीछे उन्होंने रिवाइवल चालू कर दिया है, बट अब यहां पर जी गॉड के प्लान अलग है, एग्जीक्यूशन अलग है, गाड़ी लेके स्टैंड करने की कोशिश, एक अच्छा काफिला निकलेगा, जॉनी पीछे से कवर देने की कोशिश करेंगे, बट कैसे तैसे कर कर गॉजरेन को टिकना पड़ेगा, जी गॉड अपने हिप फायर के बलबूते पे खेलेंगे, दोनों लो रिज पे इनमें से एक ही टीम आगे जा पाएगी, बट मैक का ग्रेनेड आएगा डेल्टा को नॉक कर देंगे, वहीं पे डेस्ट्रो ने जी गॉड को नॉक करा विद दैट डीपीएस, एक के बाद एक टू एंड फ्रो नॉक्स, और अब मुझे लगता है कि कुछ क्षण बचे हैं, जस्टिन अकेले बचे हैं पिछले मोमेंट की तरह, और यहां पर गॉड लाइक जस्टिन को भी गेम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। मैक तो अपने रौद्र रूप में आ चुके हैं जिस तरीके से अभी खेल रहे, ग्रेनेड से आई थिंक 6 फिनिशेस तो उन्होंने बस ग्रेनेड से ही निकाले होंगे फिलहाल के लिए। जेली की कॉल आया कि ये कंपाउंड हमें चाहिए और वहीं पर वो पहुंच चुके हैं, स्कल्स पूरी कोशिश करेगी गॉडल को यहाँ पे रोक सके, बट टीपी यहाँ पर टीपीपी और डीबीएस एक आइडियल पॉट डेडी कॉम्बो बन सकते हैं। जॉनाथन ग्रेनेड ऐसे टाइम पर जब सब कुछ इतना मुश्किल होता है, ये प्लेयर कैसे ग्रेनेड से इतना आउटकम निकाल लेता है भगवान जानता है, बट स्कल्स कुछ भी कर कर गेम प्ले में अभी भी टिकी हुई है, एक अच्छी एडवांटेज ये है कि उनके पास एक क्लोज एनवायरमेंट है, वो ये इस गेम प्ले इस बैटल जोन के टिके हुए चीज आसान होगी, चलिए ओपन ब्लोन से यहाँ पर ब्लू जोन से डैमेज देते हुए दिख रहे हैं, और वो जाते जाते स्कल्स के लिए परेशानियां जरूर बढ़ा गई, जो उन्होंने नॉक निकाला रिवाइवल आई डोंट नो पॉसिबल होगा नहीं होगा, बट अब क्या कमाल दिखाते हैं सयन, काफी बेहतरीन रिकवरी, लेकिन गोकू उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, और इस वक्त थर्ड पार्टी आया है टीम गॉडलाइक का, बचेगा इस लड़ाई में कोई भी नहीं, क्योंकि अगर गॉडलाइक हावी हो रही है, हमने देखा हाइड्रा भी फ्लैंक क्रिएट करने की कोशिश करी थी, और उनके पास भी मौका है एक और फोर्थ पार्ट के, बार बार गाड़ी धुएं से लेकर जा रहे हैं कि जो प्लेयर्स बचे एटलीस्ट उनका तो फिनिश है, लेकिन फोर शॉट्स का जो गेम था यहीं पे समाप्त होता है, चार एलिमिनेशन पॉइंट्स मिलेंगे टीम गॉडलाइक को। गॉडलाइक ये बहुत ही एक रिस्की मूव है, अपने टीममेट के साथ ऐसा कौन करता है, यही चीज स्टार बॉय भी पूछ रहे हैं जली से, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मैक बच गए गाड़ी फ्लिप होने की वजह से। देखिए दोनों टीम्स जोन के बाहर से एंटर कर रही थी, बीस थोड़े से दूर है अपनी टीम से, एंड फैक्ट स्पॉट भी हो चुके हैं यहाँ पे, बड़ी दुविधा में, बट निंजा